ते इस वेले देश का सब तो वड्डा मुद्दा लखीमपुरी खीरी दे विच जो कल घटना वापरी जिहदे विच चार किसानां दी मौत हो गई, चार होर लोगों की भी मौत हुई है, कुल अठ लोगों की कल मौत हुई सी लखीमपुरी खीरी दे विच। एक वड्डा घटना वापरी सी जिहदे विच इल्जाम लग्या देश के राज गृह मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा से कि उन्होंने किसानों से गड्डी चढ़ा दी, जिस तो बाद आशीष मिश्रा के खिलाफ 302 का परचा भी दर्ज हो गया है। उन्होंने पिता जो देश के गृह राज मंत्री ने उन्होंने खिलाफ भी 120B का परचा दर्ज किया गया है। हुण पिछले कुछ समय तो प्रशासन ते किसान आगुओं के विचकार मीटिंग चल रही सी, उन्हूं लैके वड्डी खबर आई है, प्रशासनिक अधिकारियों ते किसानों के विचकार सहमति बन चुकी है। जो किसानों ने मंग रखी सी उन्हां दे नाल प्रशासन ने मंग मनदे हुए सहमति बनाई है, जिस मुताबक जिहड़े किसानां दी जिहड़े लोकां दी कल मौत हुई है उन्हां दे परिवार नूं 45 लाख रुपया दिता जाएगा और जो लोग इस घटना दे विच जख्मी होए ने उन्हां नूं 10-10 लाख रुपया दिता जाएगा। नाल ही जो कल लखीमपुरी खीरी दी घटना सीगी उहदी न्यायिक जांच की जाएगी। होर ज्यादा अपडेट लैंदे आ मेरी सहयोगी हरमन कोलो। हरमन, किन्नी देर मीटिंग चली सी, कौन कौन मौजूद सीगा? देखो, सवेर तो ही मीटिंग चलती पई सी, जो लखीमपुर के DM ते SP ने उन्होंने नाल किसान आगुआं की मीटिंग सी, राकेश टकैत इस मीटिंग दे विच मौजूद सीगे। मुख मंग यही सी कि जिहड़े मंत्री ने पहलां तां उन्हां नूं बरखास्त किया जाए, मंत्री अहुदे तों लाया जाए, 1-1 करोड़ का मुआवजा मंगया गया सी मृतक जिहड़े मारे गए ने किसान उन्हां दे परिवारां दे वास्ते, ते नाल दी नाल सरकारी नौकरी ते नाल ही जिन्हां ते आरोप ने उन्हां दी तुरंत गिरफ्तारी की जाए, ये मंगा सी किसानां दीआं। हुण सहमति की बनी है, जिहड़ा 1 करोड़ का मुआवजा मंगया सी उहदी जगह ते 45-45 लाख के मुआवजे के उपर सहमति बन गई है कि प्रशासन कह रहा है कि असीं मुआवजा देवांगे जिहड़े मरे ने उन्हां दे परिवारां नूं, नाल दी नाल जिहड़े जख्मी होए ने, कोई वड्डी गिणती किसान जख्मी भी होए ने जदों गड्डी चढ़ी है, तां उन्हां नूं भी मुआवजा दित्ता जाएगा, 9-10 लाख का मुआवजा उन्हां नूं दित्ता जाएगा। ते इहदे इलावा 8 दिनां दे अंदर गिरफ्तारी का भरोसा दवाया गया कि 8 दिनां दे अंदर अंदर गिरफ्तारी की जाएगी उस सारे मुलजमान की जिन्हां दे उपर आरोप ने। ते वड्डी चीज़ यही है कि सवेर तो उत्थे मामला भड़किया होया सी, इंटरनेट बंद है लगातार, रस्ते बंद ने, मतलब सहमति बन गई जिहड़े धरने वगैरह लगे सी उठ जाणगे, जिस तरह हुण बाकी सारी सियासी पार्टियां दे आगू उत्थे जाना चाहते सके रोकया गया, चाहे वह प्रियंका गांधी हिरासत च लिया गया, संजय सिंह लिया गया, अखिलेश यादव को हिरासत च लिया गया, पंजाब तो डिप्टी CM कुलजीत नागरा का हैलीकॉप्टर नहीं उतरन दिता, चरणजीत सिंह चन्नी भी डिमांड कर रहे हैं कि उत्थे लैंडिंग की परमिशन मांग रहे हैलीकॉप्टर की लखीमपुरी के, उन्होंने भी वो परमिशन नहीं हजे मिल रही, तो हूँ वो हालात नहीं रहेंगे, हूँ जाने की लड़ नहीं है, मतलब धरना खत्म हो सकता? बिल्कुल खत्म हो सकता, थोड़ी देर से बारे पता लग जाएगा, लेकिन सवेर तो की सी कि जेडे किसानों की कल मौत हुई है उन्हों दी लाशां रख के उत्थे सतनाम वाहगुरु का जाप किया जा रहा है, सवेर तो वह उत्थे प्रदर्शन कर रहे थे, तो वह हुण जदों सहमति बन गई तो हो सकता थोड़ी देर दे विच उन्हां दा अंतिम संस्कार किया जाए, तो जे एड्डी वड्डी भीड़ उत्थे जुटी हुई है, किसानों की भी भीड़ आ, तो भारी गिणती पुलिस फोर्स तैनात है, तो हो सकता थोड़ी देर दे विच उत्थे जाके ये सारी चीज़ां चक लिया जाण ते उन्हां किसानों का अज अंतिम संस्कार कर दिया जाए, क्योंकि मुद्दा बेहद वड्डा हो चुकिया, सियासत पूरी गरमाई हुई पूरे देश के विच, ते ये अग सुलगदी नज़र आ रही है पूरे देश के अंदर। बिल्कुल, सियासी घमासान मचिया होया इस घटना नूं लैके, हर पासे सियासत भी होगी क्योंकि मंदभागी घटना कल वापरी सीगी जिते लखीमपुर खीरी दे विच किसानां दे वल्लों प्रदर्शन चल रहा सीगा, उत्थे इल्जाम लगदा है आशीष मिश्रा ते जो अजय मिश्रा दे बेटे ने, अजय मिश्रा केंद्र सरकार दे विच राज मंत्री ने, होम मिनिस्ट्री दे विच राज मंत्री ने, यानी कि गृह राज मंत्री ने अजय मिश्रा, उन्होंने बेटे आशीष मिश्रा से इल्जाम लग्या सीगा कि उन्होंने उन्होंने गड्डी जिहड़े प्रदर्शनकारी बैठे सीगे किसान बैठे सीगे उन्होंने गड्डी चढ़ा दी जिहदे नाल चार लोगों की मौत हुई, कई लोग उत्थे गंभीर जख्मी भी होए, विरक जो किसान आगू ने वड्डे वह भी जख्मी होए गंभीर रूप के नाल, इहदे नाल ही दूजे पासे कहिंदी है कि 3 BJP वर्करां का भी और ड्राइवर की भी मौत हुई है, इस तरह के इल्जाम लग रहे सीगे। लगातार कल का वड्डा मुद्दा सीगा जिन्हों लैके मैं दस्सिया कि सियासत भी काफ़ी गरमाई हुई है, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता ने उन्होंने हिरासत के लै लिया गया, दूजे पास जिहड़े प्रियंका गांधी ने वो कल रात को निकले तो उन्होंने सीतापुर गैसट हाउस के हिरासत के लिया गया, डिटेन किया गया। इस तो इलावा अखिलेश यादव UP के सबका मुख्यमंत्री ने उन्होंने भी हिरासत लिया गया, तो उस विचकार प्रशासन ते राकेश टकैत उन्होंने अगवाई दे विच एक वड्डी मीटिंग चल रही सी, राहत की गल जरूर आई है कि उस मीटिंग दे विच सहमति बन चुकी है प्रशासन और किसान आगुओं दे विचकार, और जो हालात हुण सेंसिटिव हालात बने हुए सीगे लखीमपुर खीरी दे विच वो हो सकता है कि आने वाले कुछ मिनटों दे विच किसानां दे वल्लों ऐलान कर दिता जाए कि हालात हुण नहीं बने रहणगे, ये वड्डी राहत की खबर है कि उत्थे हुण हालात जिहड़े ने वो बदल सकते हैं, क्योंकि लगातार आपां देख रहे हैं सवेर तो ही बड़े वड्डे सियासी आगू जिवें पंजाब दे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी
लखीमपुरी जाने की लखीमपुर जाने की इजाजत मांग रहे हैं। ये नाल ही सवेरे डिप्टी सीएम और कुलजीत नागरा निकले, वो कह रहे आप बाय रोड हूँ जावे उत्थे, उन्होंने हैलीकॉप्टर को इजाजत नहीं दी गई, लखनऊ के लैंड करने की उन्होंने इजाजत नहीं दी गई। इस तरह कई वड्डे आगू जिहड़े ने जाना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी का डेलीगेशन एक बनया है जो हरपाल चीमा की अगवाई दे विच जाएगा, उत्थे राघव चड्ढा भी उन्होंने नाल मौजूद होंगे। तो इस तरह कई वड्डे सियासी आगू जा रहे थे, पर उस तो पहले एक वड्डी राहत की खबर यह आ गई है कि राकेश टकैत उन्होंने अगवाई दे विच जिहड़ी मीटिंग चल रही थी उहदे विच प्रशासन ते किसानां दे विचकार सहमति बन गई है। कल बड़ी वड्डी घटना है वापरी उत्थे, कई जिहड़े जिवें दस्सिया कि जुख्मी भी होए ने लोग, और चार लोगों की, चार किसानों की, चार प्रदर्शनकारियों की मौत हुई है। उस तो बाद कई गड्डियों नूं अग लगाई गई, दंगिया वर्गी स्थिति उत्थे बन रही सी, पर कंट्रोल पा लिया गया। हुण राहत की खबर यह जरूर है कि प्रशासन और लीडरां दे विचकार जदों सहमति बन जाए तो हालात उत्थे जिहड़े सेंसिटिव नहीं रहणगे, हुण नाजुक नहीं बने रहणगे, हालातों दे विच तब्दीली आएगी। इंटरनेट बंद कर दिता गया सीगा प्रशासन दे वल्लों, हो सकता है कुछ समय दे विच इंटरनेट भी चला दिता जाए, और जिहड़े लोग उत्थे धरने ते बैठे ने कल रात तो ही वह भी उठ जाण। हजे सिर्फ किसानों के ऐलान का इंतजार कर रहे हैं, शायद तुहाडे कोल कुछ होर अपडेट है हरमन? नहीं, ये यही है कि सवेर तो जिमें कि सारे आगू कह रहे कि असी जाना आ, जो रंधावा के हैलीकॉप्टर उतरन की इजाजत नहीं दी गई, तो इस तरीके जो मुख्यमंत्री चन्नी ने उन्होंने भी इजाजत मंगी सी कि मैं जाके पीड़ित परिवार को मिलना चाहता हाँ, तो मेरे जो मेरा चौपर है उन्होंने लैंड करने की परमिशन दी जाए, तो उस लैके खबर आ रही है कि शायद उन्होंने ठुकरा दिता गया, हवाला दिता गया, जो सवेरे नोटिफिकेशन जारी हो गया कि पंजाब तो आ रहे किसी भी शख्स को इतने एंटर करने की इजाजत नहीं होगी, 144 जो धारा लगी वह हवाला दिता गया, तो हो सकता थोड़ी देर से क्लीयर होएगा कि सीएम का ठुकराया गया या नहीं, लेकिन खबर आ रही है कि शायद उन्होंने वो परमिशन की जो मंग सी उन्होंने ठुकरा दिता गया यूपी सरकार के, क्योंकि पहले ही सारे हिरासत च लिया जा रहा है। लखीमपुर खीरी घटना नाल जुड़िया होर भी अपडेट आते रहेंगे, तुहाडे तक आपां लगातार लेटेस्ट अपडेट जिहड़े आ इसे तरह पहुँचाते रहेंगे, पर हुण राहत की खबर यह आई है कि प्रशासन और किसानों के विचकार प्रदर्शनकारियों के विचकार सहमति बन गई है। 45 लाख रुपया जिहड़े लोगों की मौत हुई है उन्होंने परिवार को दिता जाएगा, और जिहड़े लोग इस घटना के जख्मी हुए हैं 10-10 लाख रुपया उन्होंने भी दिता जाएगा मुआवजे वजो, और इस घटना की न्यायिक जाँच की जाएगी, यानी कि जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। देखते रहो दैनिक सवेरा टीवी।